ना इंडिया के नए बजट से हर सेक्टर आस लगाए बैठा है। डिफेंस सेक्टर मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। सेना का आधुनिकीकरण भी अहम मुद्दा है। बजट से और क्या उम्मीदें हैं डिफेंस सेक्टर की, ये रिपोर्ट देखिए। देश का डिफेंस सेक्टर मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि उसका भी इस बार बजट में भला होगा। मोदी सरकार डिफेंस पर जीडीपी का 3% खर्च करना चाहती है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए एफडीआई लिमिट बढ़ाने जैसे कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन उसका नतीजा जिस स्तर पर निकलना चाहिए नहीं निकल पा रहा। इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्री से बड़े बजट की मांग की है। एफडीआई खाली बढ़ाने से कोई कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं करेगी। एक तो है कि यहाँ मार्केट होना चाहिए, दूसरा चीज़ तो है कि जो टेक्नोलॉजी वो कंपनी लाना चाहती है वो उसके देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने अप्रूव किया है या नहीं किया है। दरअसल देश के प्राइवेट सेक्टर की नजरें रक्षा मंत्रालय के बजट की ओर लगी हैं, ताकि मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू हो सकें और उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी का मौका मिले। सरकार भी प्राइवेट कंपनियों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। दरअसल सरकार मेक इन इंडिया के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रही है, ताकि डिफेंस की जरूरतें देश में ही पूरी हो सकें और रोजगार में भी इजाफा हो। लेकिन डिफेंस सेक्टर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है प्रोजेक्ट के डिले और अप्रूवल को लेकर। लिहाजा बजट में डिफेंस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी दिक्कत रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर है। मोदी सरकार इसे लेकर चिंतित तो दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक सरकार की कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई है। डिफेंस सेक्टर इसे लेकर भी बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहा है। यानी अब देखना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली डिफेंस सेक्टर को बजट में कितना बूस्ट देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।